गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? यस यस, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? यस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई टॉट द लास्ट क्लास चैप्टर फर्स्ट, राइट? चैप्टर फर्स्ट, यस, ये आपकी 11th क्लास की बुक होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, राइट? चैप्टर फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, राइट? एंड ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन मींस, राइट? लास्ट टाइम हमने बातचीत की थी इसके बारे में, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू वी सोसाइटी, राइट? ये सब हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, ये सब राज आप लोगों ने पढ़ाई की? हाँ जी, खाली वीडियोज़ ही देख रहे हैं या स्टडी भी कर रहे हैं? इन सब पे हम बात की, राइट? अब ये जो लास्ट है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ऊपर का डिस्कशन कर लिया था। बेटा आदित्य, 12th क्लास की जो क्लास होती है वो 12 से 1 बजे होती है, पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है बेटा? टॉपिक मैंने मेंशन कर दिया है ऊपर, व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड, राइट? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे। मैंने, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? की थी ना बच्चों, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन और कोऑर्डिनेशन इंश्योर कराने वाली बात हमने जो बात की थी, राइट? अब मैं ये बताना चाहूँगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हमने बनाया, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, हमारे सामने क्या क्या चैलेंज, हाँ, चैलेंजेस फेस किए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर इंडिपेंडेंट, राइट, बहुत स्ट्रगल किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और देखिए, जब हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं, कोई भी, हम कुछ भी बनाते हैं या हम अपने सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो जो वो चेंज आता है वो बहुत इजी नहीं टास्क होता है, उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना होता है बच्चों। ऐसे ही जो हम आज अपना इंडियन सक्सेसफुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम देख रहे हैं, वो हमारे इंडियन फाउंडिंग फादर, मतलब जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर, जो संविधान निर्माता हैं, वो उन्होंने बनाने में जो उनको समय लगा, हम कह देते हैं कि जो लगा उनको समय, 2 साल 11 महीने 18 दिन जो लगे, उसमें क्या बस ये 3 साल ही जो उन्होंने बनाया, इन 3 सालों में ही बना के कंप्लीट, लेकिन इन जो ड्यूरेशन, जो टाइमिंग था, उसमें उन्होंने कितनी बार चेंज किया, आप गेस कर सकते हैं बच्चों? बता सकते हैं? बताइए कितनी बार चेंज किया होगा, आप वैसे ही बताइए, सोचो ही कि कितनी बार चेंज किया होगा और कितने वर्ड्स हैं। सोचा, कभी भी कुछ भी पढ़ो, उसमें सोच के देखो, डीप स्टडी करो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसमें कितना टाइम लगा होगा। टाइम तो हमें हर बुक में मिल जाता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बनाते समय किन किन चैलेंजेस का फेस करना पड़ा और क्या क्या सामने, क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, जैसे मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था आपको, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, राइट? तो बहुत समय लगा, और इसे जब हमने बना के कंप्लीट किया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिक्लेरेशन हुई, वो सॉवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब चीज़ इंश्योर करना था, और सिटीजन्स को जस्टिस मिल सके, इक्वलिटी मिल सके, लिबर्टी मिल सके, है ना? तो ये सब कैसे हमने कंप्लीट हुआ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम आज ये देखेंगे।
आपको ये मालूम है, हम लोग टेंथ में भी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा भी है कि जैसे हिस्ट्री में हम लोग ने ये पढ़ाई की है कि ब्रिटिश इंडिया आए और हमारे ऊपर रूल किया और हमने बहुत स्ट्रगल किया अपनी इंडिपेंडेंस लेने के लिए, राइट. इंडिपेंडेंस हमने लेने से पहले हमने इतने मूवमेंट्स चलाए, महात्मा गांधी जी ने चलाए, बहुत फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा और आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया. तो वही सब देखते हुए हम ये कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, राइट. सो फर्स्ट मैं बात करूँ, पता है मैं जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ, तब इतना पहले तो ये सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमने इतना स्ट्रगल करके और इतना बढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन और सक्सेसफुल, और मुझे बहुत प्राउड होता है बच्चों अपनी इंडिया में. और जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी जैसे 1950 में जब हमने बना के कंप्लीट किया, 2020 है, आज तक हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को मान रहे हैं, उनकी रूल रेगुलेशंस को मान रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. अब आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैम क्या हमारे इंडिया में कुछ रूल रेगुलेशन नहीं था? थे बेटा, धर्म जैसे रिलीजन थे, तो चर्चिल की अगर हम बात करें तो चर्च वगैरह की थी. तो हमें हमारे यहाँ राजाओं, इन्होंने देखा कि इनका चर्चिल ये जो चर्च का दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें कंट्रोल करना था. उसके बाद फिर हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो प्राइवेट कंपनी थी, राइट. और इससे पहले हम अगर बात करें, अगर इतिहास की हम बात करें, तो हमारे यहाँ अर्थशास्त्र यानी एक बुक कौटिल्या, हमारे चाणक्य यहाँ बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र में रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया अपनी बुक में, तो वहाँ भी देख सकते हैं. हालांकि बहुत बड़ी डीप स्टडी के बारे में मैं बता रही हूँ, बट फिर भी हम जान सकते हैं बच्चों, ठीक है. और ये शुरुआत होती है रेगुलेशन एक्ट, मैं लिखवाऊंगी. पहले तो मैं सोच रही हूँ कि इसका रिव्यू मैं आपको बताऊँ, फिर पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, राइट. और सबसे देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारे यहाँ पर विचारधाराएँ डिफरेंट डिफरेंट है. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग थी, राइट. मॉडर्नेट थे जिसमें जैसे नरम दल और गरम दल, है ना, और जिनको लिबरलिज्म, उदारवाद, मॉडर्नेट. तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो डोमिनेट स्टेट चाहते हैं. डोमिनेट स्टेट, जहाँ डोमिनेट स्टेट का मतलब होता है बच्चों कि मतलब ब्रिटिश रहते हुए हमारे यहाँ पर मतलब ब्रिटिश रहेंगे और रूल रेगुलेशन भी करेंगे और हम इंडिपेंडेंट भी रहेंगे, तो इस तरह का था. तो हमारे और भी जैसे तिलक हैं और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बहुत ये कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल आज़ादी पूर्ण, हम तो स्वराज चाहते हैं, राइट. तो ये सब चीज़ें मतलब बातें कि बहुत डीप स्टडी. फिर लास्ट टाइम कमेंट आया था बच्चों का, मैम आप हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहे, आप तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. तो थोड़ा थोड़ा लाना पड़ता है बेटा, क्यों? क्योंकि हमें जब तक इतिहास के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक चीज़ों के बारे में हम कोऑर्डिनेट वो मतलब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है. तो भारत को कानून बनाने की कोशिश की 1999 में. तो उस समय वायसराय हमारे माउंटन थे, और फिर यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे पीएम की तरह, प्रेसिडेंट, और हम वायसराय पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ से कानून बनाना शुरू किया. और चलिए ये बहुत डीप स्टडी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि मैम हमें तो आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. मैं सीधा कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग पर आते हैं, राइट. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में थी, फर्स्ट मीटिंग. जेपी कृपलानी इसमें मेंबर भी थे, प्रेसिडेंट जो हमने जैसे कहते हैं अस्थाई जो टेम्प्रेरी सचिनानंद सिन्हा थे उस दौरान,
तो हमने फर्स्ट मीटिंग तो ये थी और हमने डिसाइड किया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी तैयार की जाएगी और 11 दिसंबर 1946 में जो हमने परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एम.एन. रॉय ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वो थे लीगल एडवाइज़र थे वाइस चेयरमैन थे मुखर्जी जी और 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन शुरू रखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए कैसे बनेगा कैसे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा राइट और 22 जुलाई 1947 में इसमें हमने नेशनल फ्लैग तैयार किया और दूसरा 20 मैं आपको एक्चुअली डेट बता रही हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि ये इस दौरान ये और 26 जनवरी 1950 एक और चीज़ मैं दो डेट और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 राइट और दूसरी बात इसी दिन ही 24 जनवरी 1950 में एंथम सॉन्ग भी बनाया गया राइट और सी हाँ जी बच्चे तो और पहला सबसे एक और चीज़ मेरे प्यारे बच्चों पता नहीं ये मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा जो है थोड़ा मूड कर रहा है मतलब हाँ जी और ये आपको ये तो मालूम है 15 अगस्त 1947 में हमने इंडिपेंडेंट ले लिया 29 अगस्त 1947 ड्राफ्ट कमेटी जो जब ड्राफ्ट कमेटी बनी थी तो उस दौरान बस 7 मेंबर थे ड्राफ्ट कमेटी के उनके नाम भी मैं डिक्लेयर कर नाम भी आपको बताऊंगी 26 नवंबर 1949 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमने पास ऑन अडॉप्ट कर लिया था राइट लेकिन इम्प्लीमेंट फाइनली 26 और लास्ट जो मीटिंग थी सब जो हम लोगों ने देखा ना कि फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में देखी हमने और लास्ट जो मीटिंग थी वो थी 24 जनवरी 1950 लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली राइट और कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा बनना था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट ये और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊं बच्चों आर्टिकल जब बना था उस दौरान तो आर्टिकल 395 शेड्यूल जो है उस समय 8 थे अब तो 12 हो गए हैं और पार्ट्स उस समय 22 और इसमें अब 25 हो गए हैं राइट ठीक है और एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बन के तो आपको पता ही है हमने अडॉप्ट जो कर लिया था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और आपको मैं अमाउंट बताऊं 24 यानी 64 लाख पे इसमें लगे और इसमें जो वर्ड्स हैं 8000 वर्ड्स हैं इसमें बेटा और इसे कितनी बार चेंज किया होगा मैंने आपको से क्वेश्चन भी किया था ओनली 2000 मतलब 2000 अमेंडमेंट किए गए थे 2000 राइट और इसे इतनी खूबसूरती से किसने बनाया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने देखिए सोचिए बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया और जो मेन फ्रंट है आप गूगल वगैरह में चेक करके मुझे आप बताना या किसी से पूछ के बताना कि जो मेन फ्रंट है वो किस जो कॉन्स्टिट्यूशन का था मेन फ्रंट बनाया किस मतलब क्या टॉप वो था थीम थी राइट तो देखते हैं आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बताएंगे मुझे और इसको जो डेकोरेट किया था वो शांति निकेतन हाँ डेकोरेट किया था आर्टिस्टों ने और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम 100 से अबव इसमें वो अमेंडमेंट हो चुके हैं राइट एंड ठीक है बच्चों और एक और चीज़ मैं मतलब इनको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी बस आज डेट वगैरह का बताना चाह रही थी मैं फिर इसमें बताऊँगी कि ये किस पर है एंड क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है इसमें अच्छा एक और आपने क्वेश्चन पूछना था कि इसमें मैम इसमें 15 लेडीज़ थी 15 वीमेंस थी और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें क्रिटिसाइज जो किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये था
कि इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी कि कौन इसको रिप्रेजेंट करेगा ठीक से, राइट. और इसमें ना तो इस मतलब इन शॉर्ट और डोमिनेट था, डोमिनेट बाय कांग्रेस, राइट. और जितने हाँ देखिए आप देखिए जब हमारा वैसे कांग्रेस जो पार्टी 1885 में जो बनी थी उसके जब हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तब से लेकर और 1977 तक इसका वन पार्टी डोमिनेशन रहा. तो एक ये भी क्रिटिसिज्म है कि वन पार्टी थी पॉलिटिकल पार्टी और डोमिनेट फिर था एक डोमिनेट हिंदुज़म हिंदुओं का है एक था. तो मतलब क्रिटिसाइज तो करेंगे, देखो अच्छी बात होती है तब बहुत क्रिटिसिज्म होती है, राइट. हाँ और एक और ये कहा गया है कि सभी इसमें लॉयर थे. हाँ इस पॉलिटिकल डोमिनेट ये क्या था लॉयर पॉलिटिकल डोमिनेट था क्यों, क्योंकि सारे जितने भी थे जैसे मैं अगर आपको बताऊं भीमराव अंबेडकर साहब भी लॉयर थे और जवाहरलाल नेहरू भी लॉयर थे और जितना भी हम लोग आपसे बात करें तो ये क्रिटिसिज्म की जाती है हमारे डेमोक्रेसी की, राइट. नहीं बेटा